बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इस वीडियो में कुछ अहकामात हैं जो कि कुरान पाक में दर्ज हैं, इन पे अमल करना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। सूरह नूर आयत नंबर 58, इजाज़त के बगैर किसी के कमरे में दाखिल ना हो। सूरह बकरा आयत नंबर 282, आपस में कर्ज के मामला तहरीर कर लिया करो। सूरह बकरा आयत नंबर 170, किसी की अंधी तकलीद मत करें। सूरह बकरा आयत नंबर 280, अगर कोई तंगी में है तो उसे कर्ज उतारने में मोहलत दो। सूरह बकरा आयत नंबर 275, सूद मत खाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 188, रिश्वत मत इख्तियार करो। सूरह बकरा आयत नंबर 177, वादों को पूरा करो। सूरह बकरा आयत नंबर 283, आपस में एतमाद कायम रखो। सूरह बकरा आयत नंबर 42, सच और झूठ को आपस में ना मिलाओ। सूरह निसा आयत नंबर 58, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, बदजुबानी से बचो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 134, गुस्से को पी जाओ। सूरह निसा आयत नंबर 34, दूसरों के साथ भलाई करो। सूरह अराफ आयत नंबर 13, तकब्बुर से बचो। सूरह अराफ आयत नंबर 199, दूसरों की गलतियां माफ करो। सूरह ताहा आयत नंबर 44, लोगों से नरमी से बात करो। सूरह लुकमान आयत नंबर 19, अपनी आवाज पस्त रखो। सूरह हजरात आयत नंबर 11, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। सूरह इसरा आयत नंबर 23, वालदेन के एहतराम और उनकी फरमाबरदारी करो। सूरह इसरा आयत नंबर 23, वालदेन की बेअदबी से बचो और उनके सामने उफ तक ना कहो। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।